हेलो डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये क्लास आपके बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां हम पेपर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। ओके, और आपका जो टॉपिक है रोल ऑफ स्टेट इन एजुकेशन। इसके पहले के जो लेक्चर्स थे वहां पर हमने क्या सीखा, हमने जो सीखा था पहले रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन, देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट उसके बाद जो लेक्चर था उसमें हमने सीखा रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन, एंड नाउ वी आर कम टू द नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ स्टेट इन एजुकेशन, अर्थात जो राज्य होता है, राज्य का एक राज्य का हमारे शिक्षा में क्या महत्व है, उत्तरदायित्व उनका क्या है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के द्वारा पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्टेट, सबसे पहले तो राज्य क्या होता है ये समझ लीजिए, फिर हम समझेंगे कि राज्य का शिक्षा में क्या उत्तरदायित्व है या उनका किस प्रकार का रोल है, वो हम बाद में जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज स्टेट। देखिए साफ साफ लिखा है राज्य क्या है, एक सामाजिक संस्था है और यह समाज का उद्देश्यपूर्ण संगठन है जो जनता के हित के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, जनता के हित के लिए। आज के वर्तमान युग में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जटिलताएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अभिकरण नहीं है जो व्यक्ति और समूह के व्यवहारों को नियंत्रित कर सके, और जीवन का कोई ऐसा पक्ष भी नहीं है जो राज्य के प्रभाव से अछूता हो। ठीक है, कानून प्रशासन न्याय और दंड की सख्ती के द्वारा राज्य अपने क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों और व्यवहारों को व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। इस प्रकार राज्य जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना लक्ष्य मानता है, अर्थात ठीक है ना, अर्थात या आप एक सिंगल शब्दों में आप जाने तो स्टेट वो है जो एक सोशल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका सामाजिक संस्था है जिसका मेन काम क्या है, जनता के हित के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया एक संगठन है। ठीक है, इसी में I.L. कैंडल ने एक परिभाषा दी है, हम ज़रा उसके बारे में भी जानेंगे। क्या परिभाषा दी है I.L. कैंडल ने, कहा है कि राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसके साथ एक सरकार यानी कि शासन, एक सरकार होती है जिसे लोगों के द्वारा मान्यता मिलती है। क्या मिलती है, लोगों के द्वारा मान्यता मिलती है, यानी कि जो सरकार होती है उसे किसके द्वारा मान्यता मिलती है, लोगों के द्वारा। क्योंकि देखो हम लोग भारत देश के नागरिक हैं और भारत में क्या है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जो शासन है, जो सरकार है, वो लोगों के द्वारा ही चुन के आती है। ठीक, एक और परिभाषा है गिलन और गिलन के अनुसार, राज्य एक निश्चित भूभाग में बसे व्यक्तियों का प्रभुता संपन्न राजनीतिक संगठन है। मैकाइवर एवं पेज भी इसके द्वारा इनके बारे में लिखते हैं राज्य एक संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग पर सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से शासन करता है, यह सामान्य नियमों द्वारा व्यवस्था कायम रखता है। देखिए यहाँ जो ये बात लिखी हुई है कि किसी निश्चित भूभाग पर, तो देखो राज्य का मतलब है कि किसी एक मतलब एक जो लैंड एरिया है वो एक डिसाइडेड होता है। जैसे आप भारत देश की बात कर लें, वो तो देश के बारे में, चलो और छोटी सी बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जब आप मैप देखोगे तो जो मैप में जितना उत्तर प्रदेश का जो एरिया दिखाई देगा आपको, जो एक सिंह की आकृति भी समझ में आती है, तो वो जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया दिख रहा है वो क्या है, वो इसका एक निश्चित भूभाग है। वो क्या है, एक निश्चित भूभाग है, मतलब एक लैंड एरिया एक डिसाइडेड है कि इतना एरिया उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अब इस निश्चित भूभाग पर एक सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से, अब सर्वशक्तिमान सरकार, तो हम भारत देश के लोग में रहते हैं और भारत देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सरकारें चुनी जाती हैं वो जनता के द्वारा ही चुनी जाती हैं, तो जनता जिस भी व्यक्ति को चुनकर आगे बढ़ाती है, आगे भेजती है, वही उनके ऊपर वही शासन करता है, उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो वही सर्वशक्तिमान सरकार है, अर्थात उनके पास लोगों की शक्ति है, लोगों के द्वारा चुने हुए जाने की शक्ति। यहाँ सर्वशक्तिमान से अर्थ वो मत ले लीजिएगा कि वो बड़े पावरफुल होते हैं, सबसे ताकतवर, एक्चुअल में उनके पास तो कोई ताकत नहीं होती, उनको ताकत दी जाती है किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा। ठीक है, सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से शासन करता है और यह सामान्य नियमों द्वारा व्यवस्था कायम रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का अर्थ क्या है और स्वरूप क्या है? देखिए, राज्य का विकास समाज ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया, इसे एक संगठित सुसंगठित राजनैतिक समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है। समाज ने राज्य को शक्ति और अधिकार देकर समाज में न्याय, सुरक्षा और अनुशासन स्थापित करने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार जब किसी निश्चित भूभाग को जनता अपने साम्राज्य और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों को एक सत्ता को इस उद्देश्य से सौंपती है, यानी कि जब अपने हितों की रक्षा के लिए अपने अधिकार को एक सत्ता को इस उद्देश्य से सौंपती है कि वह उसके हितों की रक्षा करेगी, तो राज्य का जन्म होता है। ठीक है ना, तब राज्य का जन्म होता है। और राज्य बनाने के लिए उसके हितों की रक्षा करेगी तो क्या होता है, राज्य का जन्म होता है। और राज्य बनाने के लिए राजनीतिक समुदाय में निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। वो निम्न तत्व कौन कौन से हैं ज़रा देख लीजिए। एक निश्चित भूभाग, कुछ निश्चित जनसंख्या, सरकार या शासन या सत्ता और या संप्रभुता। ठीक है, अब देखिए, निश्चित भूभाग और जनसंख्या राज्य के भीतर क्या कलेवर का निर्माण करते हैं, यानी कि निश्चित भूभाग होना बहुत ज़रूरी है और उसमें रहने वाली जनसंख्या का भी होना, क्योंकि सिर्फ निश्चित भूभाग हो और वहाँ कोई जनसंख्या ना हो तो राज्य का क्या कार्य, कौन सी सरकार, कौन सा शासन, कौन सी सत्ता, कोई चीज़ नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर जो जनसंख्या होगी उसका भी आवश्यकता है। और देखिए, भूभाग को जनता कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों में से किसी एक को शासन करने का अधिकार देती है, उनको शासन, सरकार या सत्ता कहते हैं। राज्य का चौथा और अति आवश्यक तत्व है संप्रभुता, यानी कि संप्रभुता अर्थात सरकार की समस्त शक्तियों और अधिकारों से युक्त हो और उस पर किसी अन्य देश की सरकार का प्रभुत्व ना हो, दबाव ना हो। सरकार अपने देश की जनता पर शासन करने, कानून बनाने, उसको क्रियान्वयन करने में, उन्हें दंड देने में स्वतंत्र हो। शासन, सत्ता और संप्रभुता राज्य की आंतरिक और वास्तविक शक्ति होती है और अन्य संगठनों से उसे भिन्न स्वरूप प्रदान करती है। इसमें लास्ट बात जो लिखी हुई है, लास्ट पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वास्तव में राज्य अमूर्त होता है, उसकी अभिव्यक्ति सरकार या शासन या सत्ता के माध्यम से होती है। अतः राज्य का अर्थ प्रायः सरकार से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? सरकार से। ठीक है, अतः राज्य का अर्थ प्रायः सरकार से लिया जाता है। तो समझ लीजिएगा, सरकार की बात भी अगर की जा रही है तो वो भी राज्य से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की विशेषताएं देखो क्या होती है। राज्य की निम्न विशेषताएं, राज्य क्या है, एक अविभाज्य एकता है। यानी कि इसको राज्य को हम देश, भारत राज्य की बात कर ले भाई, भारत भी अविभाज्य है, उत्तर प्रदेश भी अविभाज्य एकता है। राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है। राज्य के संचालन के लिए एक सरकार होती है। राज्य के पास एक प्रभुसत्ता होती है। राज्य का स्वरूप स्थायी होता है। राज्य की भूमि घट बढ़ सकती है लेकिन इसका अस्तित्व बना रह सकता है, यहाँ तक कि किसी दूसरे राज्य का अधिकार हो जाए तो भी केवल सरकार में परिवर्तन होता है परंतु राज्य बना रहता है। ठीक है ना, यह है राज्य की विशेषताएँ। आगे देखते हैं, शिक्षा पर कैसा नियंत्रण। देखो, राज्य शिक्षा पर जो राज्य का नियंत्रण है वो सही है या गलत, उसका नियंत्रण का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसके बारे में बहुत विरोधाभास हैं। कुछ लोग कहते हैं कि होना चाहिए, कुछ शिक्षा शास्त्री कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से डिस्कस किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या सही है राज्य का नियंत्रण होना और क्या राज्य का नियंत्रण होना सही नहीं है। दोनों बातें हम जानेंगे एक एक करके, तो ज़रा देखते हैं। पहली बात, राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण ना हो इस संबंध में, अर्थात जो राज्य जो शिक्षा है उस पर राज्य का नियंत्रण ना हो। देखो, राज्य में जनसंख्या है यानी लोग रहते हैं, तो लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना किसका कार्य है, राज्य का, क्योंकि राज्य एक सरकार है। तो सरकार का कार्य क्या है, शिक्षा की व्यवस्था करना। तो उनका नियंत्रण होना चाहिए शिक्षा पर कि नहीं, इसके बारे में। तो देखो, राजा यानी कि जो भी सरकार में जो सर्व पद पर हो, ठीक है ना, यहाँ पे राजा का कॉन्सेप्ट वो वाले राजा नहीं है क्योंकि अब हम लोग लोकतंत्रात्मक देश में हैं, तो यहाँ राजा का अर्थात वह व्यक्ति जिसको चुनकर हमने सत्ता पर बिठाया है। तो राजा का शिक्षा पर नियंत्रण होने पर शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्यों से हटकर राज्य के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बन जाती है। ऐसा कभी कभी होता है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट है कि नियंत्रण ना हो इसके संबंध में।
कभी-कभी होता है ना कि जो सर्वशक्तिमान होते हैं तो उनका अगर नियंत्रण होता है तो वो वास्तविक उद्देश्यों से, शिक्षा के जो वास्तविक उद्देश्य हैं उनसे हटकर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में के अनुसार वो शिक्षा व्यवस्था कर देते हैं। या अगला पॉइंट जैसे लिखा है, शिक्षा का स्वतंत्र अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है और शिक्षा जो होती है वो राज्य के हाथ की कठपुतली बन जाती है। राज्य के अस्थिर होने पर शिक्षा में भी अस्थिरता आती है। राज्य के अस्थिर का मतलब भूकंप आने से नहीं है, राज्य के अस्थिर मतलब सरकार के अस्थिर होने पर शिक्षा में भी अस्थिरता आ जाती है। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होने पर क्षेत्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं की अवहेलना होती है, ठीक है ना। तो जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, हर क्षेत्र विशेष में कैसे लोग रहते हैं और वो अपने अनुसार कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, उसकी अवहेलना हो जाती है कई बार, ठीक है। शिक्षक का स्वतंत्र व्यक्तित्व तो नहीं रहता, वो सरकारी पिट्ठू बन जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें इसके संबंध में। अब आगे हम देखेंगे कि राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण होना क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं होता है, मतलब नियंत्रण ना हो, ठीक है ना, उसके बारे में था। अब देखिए आगे, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हो इस संबंध में। तो देखो, राज्य क्या है, एक सर्वशक्तिमान संगठन है, उसके पास पर्याप्त आर्थिक स्रोत है। अतः राज्य ही एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश में या पूरे राज्य में जनसाधारण की शिक्षा का विशाल खर्च वहन कर सकती है। तो बिल्कुल, उनका नियंत्रण अगर होगा तभी तो जो वित्त की समस्या है, जो पैसों की समस्या होगी, जो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खर्चा कौन उठाएगा, सरकार ही तो उठाएगी। फिर राज्य शिक्षा की राष्ट्रीय नीति निर्माण करता है और पूरे राष्ट्र में एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करता है। राज्य का नियंत्रण ना होने पर स्थानीय क्षेत्र स्वार्थ शिक्षा को प्रदूषित कर सकते हैं, या अगर उसके ऊपर कंट्रोल ना हो, राज्य का कंट्रोल यानी सरकार का कंट्रोल शिक्षा पर ना हो, तो हर क्षेत्र विशेष में सब लोग अपने अपने हिसाब की शिक्षा व्यवस्था कर लेंगे। कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा चलता है, हमारी संस्कृति ऐसी है, तो हम ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था रखेंगे। तो हमारे देश भर में, हमारे पूरे मान लीजिए किसी राज्य भर में, अब पूरे देश भर की जब अगर बात करी जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं जन्म ले लेंगी। सब अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने मन के अनुसार शिक्षा का संगठन कर लेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक देश है तो एक ही प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। देखो आगे क्या है, राज्य का नियंत्रण होने पर शिक्षा जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग की संकीर्णता से बची रहती है। बिल्कुल सही, अगर सरकार का नियंत्रण होगा तभी तो शिक्षा व्यवस्था एक जैसी रहेगी, वरना सब अपने अपने में बांट लेंगे उसको, ठीक। इससे निर्धनता व पिछड़ापन के कारण शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहता, राज्य सभी को शिक्षा के सुलभ अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक। देखो आगे है, राज्य समुचित कानून बनाकर शिक्षा को सभी प्रकार के शोषण, भ्रष्टाचार, अनियमितता और अव्यवस्था से बचाता है, ठीक। आगे देखो, राज्य का नियंत्रण होने पर अध्यापकों के हितों की रक्षा होती है, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है, सेवा शर्तों में समानता होती है, ये बात अलग है। आगे देखते हैं, राज्य शिक्षा के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंलग्न कार्यों को प्रोत्साहित करता है। किसी भी देश की अखंडता, एकता की रक्षा तथा शांति और सद्भाव के प्रसार कार्य शिक्षा के द्वारा तभी सफलतापूर्व हो सकते हैं जब वह राज्य के संरक्षण में फले फूले। तो अर्थात एक तरीके से ये कहा जाए, एक कंक्लूजन कहा जाए कि राज्य का नियंत्रण शिक्षा पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि हाँ, राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण तो होना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ कंडीशंस में क्षेत्रीय जो आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, धार्मिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, भाषाई आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनको ध्यान रखते हुए शिक्षा की ऐसी लचीली व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो पूरे देश में एक समान स्वरूप से लागू हो सके, एक समान स्वरूप से सभी को बराबर शिक्षा प्रदान हो और उनका और प्रत्येक क्षेत्र विशेष, प्रत्येक समुदाय विशेष की जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो, और राजनीतिक उद्देश्यों की भी पूर्ति हो, देश हित के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनकी भी पूर्ति हो, ठीक है ना। तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था अगर राज्य का नियंत्रण होने पर रहती है तो हाँ, सही है, राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए हमें राज्य अर्थात सरकारों के पास जाना पड़ेगा। जैसे वित्त की समस्या,
वित्त की समस्या हम सिर्फ वहीं से सुलझा सकते हैं, सबसे मेन तो यही है। उसके बाद पूरे देश में एक स्वरूप, एक समान स्वरूप लागू कराने के लिए भी हमें उनकी ही सहायता लेनी होगी, ठीक है। तो शिक्षा व्यवस्था में राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन कुछ स्थानों पर उसमें छूट भी दी जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस कंटेंट और इस टॉपिक में जो भी मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया, आप उसे बहुत आराम आराम से पढ़िए एक बार। मैं इसको धीरे धीरे लास्ट में फिर से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव रख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में राज्य का अर्थ और स्वरूप मैंने बताया था, फिर यहाँ पर उसी से उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है इसके आगे देखिए, यहाँ राज्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, ठीक। फिर शिक्षा का नियंत्रण कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद ये देखिए, शिक्षा का नियंत्रण ना हो इसके संबंध में क्या बातें हैं, और फिर राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण हो इस संबंध में क्या बातें हैं, वो भी सारे तर्क हमने यहाँ पर आपके सामने रख दिए, ठीक है छात्रों। तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और आप इनको पढ़कर अपने नोट्स बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।